मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना हरि और भाई साहब। आज मैं हूं मोगा में, पंजाब में, और आपको दिखाने वाला हूं दो बहुत ही जबरदस्त स्ट्रीट फूड आइटम्स। बहुत मजा आने वाला है आज आपको देखना। मेरी शर्तिया बात है आपसे, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आ जाओ मेरे साथ आज नेक्स्ट लेवल। दादी सत श्री अकाल जी, क्या हाल चाल है सर? मैं ठीक हूं सर। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। हाँ, मुझे बताओ क्या क्या होता है आपके पास? हड्डी टिक्की होती है जी, दही बल्ला होता है जी, आलू रहता है, दही बल्ला है। अच्छा, हाँ जी, बूंदी का रहता है जी, आलू का रहता है, कद्दू का रहता है। क्या बात है पाजी, सबसे पहले तो ये लच्छे वाली टिक्की देखो यार, आप ये दिखाओ कैसे बनाते हो ये देखो आलू। अच्छा 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 अच्छा, लच्छे वाली टिक्की जो है वो आपने बना के रखी है, इसके अंदर पीठी भी रहती है? हाँ जी दादी। किस चीज़ की पीठी होती है सर? मूंगी की दाल की। मूंगी की दाल की पीठी है भाई, ये देखो यार क्या बात है यार, ये अम्बाला स्टाइल टिक्की जो होती है ना वो रखी हुई बना के, मूंगी की दाल की टिक्की है, पीठी है और लच्छे हैं, लच्छे वाले आलू है, उनकी टिक्की बनाई हुई है। ये यहाँ पे हाफ डन करके रखी हुई है और इधर भाई साहब और टिक्कियाँ जो है वो हाफ डन हो रही है। और भाई ये पूरी एक टीम है सर, आप सब भाई हो? अच्छा, आप फादर साहब हो इनके? भाई लग रहे हो यार। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या बात है यार, क्या बात है, जबरदस्त सर। ऑनेस्टली बताओ, आप लग नहीं रहे इनके पापा, ऐसा लग रहा है कि बड़े भाई हो। अभी दो लड़की है, बड़ी है वो लड़कियाँ, दो 20 साल की। ओहो, तो आपकी उम्र क्या है अभी? मेरी उम्र 40 साल है। 40 हो गई है? नहीं सर, 40 है। देखो मेरे से आप सच बोल दो, मैं वीडियो में नहीं डालूंगा। ऊपर देखो एक बिटिया की फोटो लगी हुई है जी, वो आपकी बेटी है? हाँ जी सर, हुआ है। क्या बात है सर, क्या बात। आपका नाम? मेरा नाम करनैल सिंह है। करनैल सिंह जी, कच्चा नाम निकू है मेरा। कच्चा नाम निकू। निकू, वाह वाह, निकू जी जो है उनके बेटे यहाँ पे उनके साथ खड़े हैं जी, और यहाँ पे बड़ा ही जबरदस्त सेटअप है। अच्छा निकू जी, दिखाइए आगे क्या क्या है अपने पास। ये वाले टिक्की है, ये है जी टिक्की, ये दही भल्ले है जी, ये है जी दही भल्ले। और भाई भल्ले जो है ना, भल्ले से कौन सी दाल के रहते हैं? ये मूंगी दाल के स्पेशल। ये मूंगी दाल के स्पेशल भल्ले है जी। ये बूंदी है, ये है जी बेसन की बूंदी। आलू है जी। सर ऐसे करिए, आप ना अपने शुभ हाथ लगा दीजिए अंदर, वो जो करछी है ना वो चला के दिखाइए प्लीज। कद्दू का रायता, ये है जी कद्दू का रायता, इधर ये है जी बूंदी का रायता, और ये क्या है सर? ये है जी आलू का रायता, और इधर ये है जी दही भल्ले। और भाई जबरदस्त मूंग की दाल के दही भल्ले हैं। और सर ये चटनियाँ भी दिखाइए प्लीज। ये अमचूर की चटनी है भाई, ये है जी पुदीने की चटनी, और ये आ गया जी दही। वाह वाह, बहुत बढ़िया। और क्या होता है सर अपने पास? सूप है सर। अच्छा, सूप की भी दुकान है? अपनी सूप है, टमाटर सूप है, मिक्स वेजिटेबल, मॉन्चो सूप, मशरूम सूप, पांचों सूप बना। मतलब मार्केट में ना आपने ये सोचा हुआ है कि अगर किसी को ठंडा खाना है तो भी मेरे पास, गरम खाना है तो भी मेरे पास। करनैल सिंह जी आपने ना बहुत बढ़िया खाना लगाया हुआ है यहाँ पे। तो भाई साहब ये लग रही है जी भल्ले की प्लेट, ये दही भल्ले की प्लेट लग रही है भाई, मूंग की दाल का भल्ला है, ऊपर से ये आ गया जी आलू, और ये पहले क्या डाला सर आपने? ये कद्दू का रायता सर। कद्दू का रायता भाई, थोड़ा सा और डाला सर, ये कद्दू का रायता चेक करो यार। ये आलू, ये आलू का रायता, ये बूंदी का रायता, ये आ गया जी बूंदी का रायता, और ये ऊपर से आ गया जी जीरा मसाला, कसूरी मेथी इसमें होती है, ये आ गया जी कसूरी मेथी, और ये क्या सर रेड कलर का? मिर्ची है लाल। अच्छा लाल मिर्च है, नमक आ गया जी, और थोड़ा सा जीरा और धनिया सर, और ये आ गया जी सूखा धनिया, और ये नमक, और ये आ गई जी मीठी चटनी, इसके अंदर भी पकौड़ी डाली हुई है भाई। ये फ्लोरी है, इसको फ्लोरी बोलते हैं इसको। फ्लोरी, फ्लोरी मतलब फ्लोर तो नहीं। ये है जी फ्लोरी, ऊपर से आ गया जी और दही, और भाई ये ऊपर से आ गई जी पापड़ी क्रश, एंड ये दही भल्ले की प्लेट बनके तैयार। सर ये कितने की प्लेट है? 50 रुपए की। ये 50 रुपए की प्लेट है? बहुत है यार, जबरदस्त, इतनी लोडेड प्लेट 50 रुपए में आपको मिल जाएगी। शाम को अगर आप निकलो तो करनैल सिंह जी ने आपकी जबान के ऊपर एक तरह से ना वो करा हुआ है कि अटैक करा हुआ है कि देखो सर्दी हो या गर्मी हम जीतते रहेंगे, है ना। और ये लग रही है जी टिक्की भाई, क्रश करने की आवाज कितनी जबरदस्त है। ये सबसे पहले आ गई जी चटनी, वाह, ये आ गई करारी चटनी, और ये उधर से आ गया जी दही, वाह, चुकंदर वाला प्याज है, क्या बात है जी, चुकंदर वाला प्याज
और ये भी प्लेट बन के तैयार। भाजी कितने की प्लेट है ये? 60 रुपए की। ये 60 रुपए की है। टिक्की की प्लेट जो है जी 60 रुपए की, 2 टिक्कियां इसमें मिल जाती है आपको। किसी को यहाँ पे आना हो तो कहाँ आना होगा? ये चैम्बर रोड, प्रताप रोड जी, बिल्कुल मंदिर के सामने जी, मोगिया गुरु नानक मार्केट के कोल। वाह, तो मतलब यहाँ पे दुकान का नाम क्या है? नेहा सूप सेंटर। नेहा सूप सेंटर, हाँ जी, बहुत अम्बाले जी मशहूर लस्सी वाली टिक्की। और टाइमिंग्स क्या है अपनी? 4 बजे आने सर, शाम को 4 बजे। हाँ, 10 बजे तक रहते हैं सर। बहुत बढ़िया, तो पहले लग जाए तो फिर जल्दी चले जाते हैं। अच्छा, जब जैसे ही सामान खत्म हो जाए तो फिर जल्दी? हाँ, एक बार 9:30 बजे भी इतने बजे खत्म हो जाते, कभी 10 बजे बज जाते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है सर, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा जी आपसे बात करके। खूब अजी जो है वो अपने भतीजे और बच्चों के साथ यहाँ पर टिक्कियाँ लगाते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। एंड लच्छे वाली टिक्की आपको मिल जाएगी अम्बाला वाली मोगा के अंदर, एंड इसके साथ जो सामान देते हैं भाई वो भी इतना ज़बरदस्त होता है ना, नेक्स्ट लेवल यार। निकू भाजी आपने कहाँ से सीखा है काम? अम्बाले मेरे चाचा के मुंडे आई उन्होंने सीख के आई मैं। अच्छा, आप अम्बाला गए थे चाचा के बेटा से? लड़के मेरे काम करते हैं वहाँ से सीख के आया था। वाह वाह, लोग जाते हैं जी हंसी मजाक करने, आप काम सीख के आ गए? हाँ सर, क्या करें, क्या बात, काम नहीं था, मेरे भाई ने सिखा दिया मेरे को, मेरे भाई ने। इसके पहले आप क्या करते थे? इससे पहले सर जी मैं बस सूर का काम करते हैं, सर्दी करते हैं जी, फिर उससे काम सीखा, फिर गर्मी और सर्दी में यही काम करता हूँ। तो खाना खिलाने का काम आप पहले से ही करते थे, टिक्कियाँ सीख के आप अम्बाला से आए? हाँ सर, पहले घड़ी। और कितने साल हो गए ये करते हुए? टिक्की को मेरे को 6 साल हो गए। 6 साल, और सूप को? सूप को तो मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल सूप का काम करते हैं। वाह वाह वाह, 20 साल से सूप लगा रहे हैं जी, और 6 साल से टिक्की लगा रहे हैं। और सर अगर आप बुरा ना माने तो आपसे पूछना चाहूँगा कि आप जैसे आपके बाल मेरे तरह कटे हुए हैं और आपके बच्चे जो हैं वो सारे गुरसिख हैं, ये कैसे हुआ सर? सर मैंने बचपन तो रखे नहीं जी, तो मैंने ज्ञान बाद च होया जी जी, तो हूँ मेरा ही मन करता मैं भी रखा। हाँ। पर वो नहीं, नहीं मतलब आप सिख फैमिली से हैं, आपने रखे नहीं थे पर आप बोल रहे हैं कि आपको ज्ञान अब हुआ जाके। हाँ। और आपके बच्चों को आपने काटने नहीं दिया? हाँ, उसको मैंने फिर समझाया कि ऐसे नहीं बेटा, ऐसे करते हैं। बच्ची मेरी लड़की को दोनों का जो अमृत छका हुआ है। अच्छा, भतीजे मेरे को दोनों का छका हुआ है। वाह, आपके बच्चों ने अमृत छका हुआ है जी, और आपको जो है ज्ञान अभी आया है और आप भी चाहते हैं? तो हाँ, मैं अभी रखूँ जी। वाह, ये लड़का है मेरा जी, ये है। अच्छा, ये भी है। ये बड़े भाई के लड़के हैं, डैडी नहीं है इनके, ये मेरे पास ही रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप ही इनके जैसे साथ साथ रहते हैं आप? बहुत बढ़िया है, ये देखो टिक्की की प्लेट जो है वो बैक टू बैक लग रही है जी, मज़ेदार दही डाल के, चटनियाँ डाल के, भाई क्या ज़बरदस्त जायका है इसका। एंड लच्छे वाली टिक्की का एक फ़ायदा बताऊँ, लच्छे वाली टिक्की ना एक्स्ट्रा करारी हो जाती है, साथ में ही आ गया जी चुकंदर वाला प्याज और ऊपर से। हाँ जी, कुरकुरी बहुत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, करारी कुरकुरी बहुत हो जाती है। सबसे बढ़िया बात जो है वो ये है कि यहाँ पे भाई साहब आपको कद्दू का रायता मिल जाएगा एकदम फ्रेश, और इसके साथ आपको मिल जाएगी जी आलू का रायता, एंड ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है। और उधर है जी पकौड़ियों वाला रायता, बहुत बढ़िया है। वाह, प्योर बेसन की बूंदी का रायता, प्योर बेसन की बूंदी वाला है, ज़बरदस्त जी। और ये मूंग की दाल की पीठी वाली दही भल्ले, दही भल्ले। वाह, ऊपर ये जो प्याज पड़ा है ना भाई, सिरके का प्याज, ये है असली चीज। चुकंदर डाला हुआ है जी जी जी, रंग नहीं डाला, चुकंदर डाल के लाल, चुकंदर डाल के लाल किया हुआ। अब ये लोकेशन समझ लो आप, ये है जी स्टॉल चन्ना सूप मिक्स वेज सूप, ये है जी ऊपर नेहा सूप सेंटर, और ये दुकान है जी जहाँ पे आज हम आए हैं। एंड ये भाई साहब यहाँ पे आपको देसी घी के बनी हुई, देसी घी के अंदर बनी हुई टिक्कियाँ मिल जाएंगी, बहुत ही बढ़िया। ये है यहाँ की स्पेशल क्रिस्पी देसी घी वाली लच्छे वाली टिक्की, और हमने सोचा कि आपको जायका ज़रूर चेक कराते हैं इसका। ये इधर से रायता लेते हैं जी, ठीक है, ये आ गया रायता भर भर के, एंड ये भाई साहब ये वही अम्बाला वाला क्रंच है, अम्बाला छोड़ो ये लच्छे वाला क्रंच है, अम्बाला में भी मिलती है, लखनऊ में भी मिलती है, बहुत जगह मिलती है, लच्छे वाली टिक्की बहुत ही ज़बरदस्त है। द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस प्लेस, इसके यार 3 यंग बच्चे और उनके साथ सबसे ज़्यादा यंग निकू जी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त दुकान है। अगर आप यहाँ पर आते हो, इस एरिया में आते हो, तो मोगा में ये वाला जायका ज़रूर ट्राई करना। अगर आपने ऑलरेडी खा रखा है तो कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। हम आपको मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जिंदाबाद रहें, साड़ी आ रही थी जौदा आजाद बजता रहे साडा पंजाब नाड़े साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी ही एक और ज़बरदस्त वीडियो, तो भाई साहब ये देखो।